सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल हनी किचन जोन को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी किचन जोन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करने आई हूँ, पोटैटो कटलेट की। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और ये बच्चों के फेवरेट होते हैं। इसे हम लोग ज़्यादातर स्नैक्स के तौर पर भी यूज़ करते हैं और कोई गेस्ट आ जाए जब भी हम झटपट इसे बना लेते हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं, एक बार इसे आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। हमने लिए हैं 4 बॉयल पोटैटो, इसे हमने बॉयल कर लिया और पील करके इसे रख दिया है। इसे हम मैशर की मदद से इसे हम मैश कर लेंगे अच्छी तरह। और हमने लिया है 1 मीडियम साइज ऑनियन, इसे भी हमने फाइनली चॉप कर लिया है। इसे काफ़ी छोटा छोटा चॉप किया हमने इसे। और यहाँ हमने लिया है फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, इसको भी हमने फाइनली चॉप कर लिया है। और हमने यहाँ लिए 4 ग्रीन चिलीज, इसको भी हमने फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ लिए हमने कुछ स्पाइसेस, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है पाउडर, और 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने ये अजवाइन लिया है। और यहाँ हम ले रहे हैं कुछ ब्रेड के स्लाइसेस जो हम कटलेट्स बनाएंगे इससे, और हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी कुछ वाटर की। सो आइए फ्रेंड्स, जल्दी हम अपने पोटैटो कटलेट जल्दी रेडी कर लें। तो आइए फ्रेंड्स, हम पोटैटो मैश कर लेते हैं इस मैशर की मदद से। देखिए, हमने सारे पोटैटो मैश कर लिए हैं अच्छी तरह। अब इसमें ऐड कर देते हैं हमें अपने अनियन, चॉप्ड अनियन, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, ये रेड चिली पाउडर, अजवाइन, क्यूमिन सीड पाउडर, और ऐड कर लेते हैं सॉल्ट। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं स्पून की मदद से, हैंड से भी कर सकते हैं, मेक श्योर आपके हैंड वॉश होने चाहिए। इसको हमने अच्छी तरह मैश कर लिए हैं पोटैटो को। अपना नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अभी हम एक बॉल लेते हैं, उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। हमने बॉल में वाटर ले लिया है, अब इसमें हम डालेंगे, डिप करेंगे ब्रेड। हम 2 ब्रेड इसमें डिप कर देंगे, उसको थोड़ी सी देर कुछ सेकेंड के लिए हम इसे भीगने देंगे। ये हमारी सॉफ्ट हो चुकी है ब्रेड, अब इसे हम उठाएंगे हाथ से और इसका हम पुश करके थोड़ा सा पानी से निकाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने इसको सारा से पुश करके इसका पानी हमने निकाल दिया दबा दबा के। देखिए, ऐसे हो गए। सो फ्रेंड्स, ना आप ऐड करेंगे हम अपने जो ये पोटैटो हमने ये करेंगे। आप अच्छी तरह देखिए फ्रेंड्स इधर। सो फ्रेंड्स, हमने इसको पोटैटो मैश को इसके अंदर पील करके इसे हमने राउंड राउंड करके इसकी शेप बना ली है। ये देखिए, सारे ही हमें पोटैटो को और ब्रेड को इसी तरह बनाना है हमें, और सेकंड ब्रेड भी हमें इसी तरह लेनी है। इसी तरह करनी है, इसको पुश करके सारा पानी दबा के निकाल देना है। इसको भी हमें इसी तरह सारा वाटर उसका ड्रेन करके हमें इसमें पील करना है अपने पोटैटो मैश, और इसे भी फिर एक ओवल शेप देनी है इस तरह करके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी शेप में या ओवल शेप में हमने 2 बना लिए। इसी तरह हमें ये सारे बनाने हैं, कम से कम इसमें 10 बन जाएंगे हमारे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कटलेट्स बना लिए, हमने 6 पीस बनाए हैं। अभी से हम थोड़ा फ्राई करके आपको बताते हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल लिया है, ऑयल को हमने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, इसमें से धुआं निकलने लगा है। हमें खूब तेज चाहिए, ज़्यादा तेज हमें चाहिए, इसको हाई फ्लेम में हमें गर्म करना है ऑयल को। अगर ऑयल हमारा ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं हुआ तो हमारे जो हम ब्रेड रोल इसमें डालेंगे वो सब खुल जाएंगे और मतलब सब खराब हो जाएंगे। अब इसमें ऐड करते हैं हम ये अपने ब्रेड रोल। हमने इसके 4 ब्रेड रोल कटलेट डाल दिए हैं। हमने ओवर क्राउड नहीं करना है, इसलिए ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे ओवर क्राउड होने की वजह से। बस हमने इसमें 4 ही मैनेज किए हैं, देखिए। और इसको तेज फ्लेम में हमें इसको अच्छी तरह गोल्डन फ्राई करना है। अब इसे हम फ्लिप कर लेते हैं, देखिए हमारे ये ब्राउन होने लगे हैं। हमारा फ्राई करने का अभी ये सेकंड मेथड हम आपको बता रहे हैं। एक ही स्ट्रेनर लीजिए, स्ट्रेनर पे आप ये ब्रेड रोल रखिए या अदरवाइज जो भी आप फ्राई करना चाहें। ये देखिए, फिर इसको इस तरह से आप इसमें रखिए। इससे हमें ये फायदा होगा कि हम स्ट्रेनर को इसी तरह खा लेंगे और सारा ऑयल हमारा अपने आप नीचे ड्रेन हो जाएगा। अब इसे हम फ्लिप कर लेते हैं, इससे काफ़ी ईजी रहा हमारा फ्राई। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इसी तरह उठा लेंगे। ये देखिए, सारा ऑयल अपने आप इसमें से टपक गया और ये हमारे बन गए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे ब्रेड रोल यानी कटलेट बनके रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं और ये काफ़ी क्रंची हैं।
ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से। इसे बच्चे टमाटो सॉस से बहुत शौक से खाते हैं। आप बच्चों को इसे सर्व करें स्नैक्स में, लंच में और बच्चों को टिफ़िन में भी दें, बच्चे बहुत शौक से इसको खाते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको हमारी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू नोटिफिकेशंस और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। ओके, फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। गुड बाय।